डियर व्यूअर्स, इस टॉपिक को अंग्रेजी में देखने के लिए देखिए हमारा इंग्लिश यूट्यूब चैनल। दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे अविश्वास प्रस्ताव यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन की, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि टॉपिक आखिर चर्चा में क्यों है। बीते दिनों विपक्षी दलों द्वारा लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किए जाने की अटकलों के चलते अविश्वास प्रस्ताव खबरों में रहा। चलिए जानते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव क्या है। जब लोकसभा में किसी विपक्षी पार्टी को लगता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है या सदन में सरकार विश्वास खो चुकी है, तो वह अविश्वास प्रस्ताव लाती है। इसे नो कॉन्फिडेंस मोशन भी कहते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जवाबदेह है, यानी सदन में बहुमत हासिल होने पर ही मंत्रिपरिषद बनी रह सकती है। इसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होता है। ये लोकसभा में सदन के निर्णयों को लागू करने के लिए एक औपचारिक प्रस्ताव होता है। इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए 50 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है और इसे केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। चलिए अब समझते हैं अविश्वास प्रस्ताव लाने की प्रक्रिया को। भारतीय संविधान में विश्वास या अविश्वास प्रस्ताव के बारे में उल्लेख नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा की प्रक्रिया और आचरण नियमावली की नियम संख्या 198 के तहत केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। सदन में कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन प्राप्त होने पर ही अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार किया जा सकता है। प्रस्ताव स्वीकार होने के बाद लोकसभा स्पीकर इस पर चर्चा के लिए समय निर्धारित करते हैं। चर्चा के अंतिम दिन स्पीकर मतदान के जरिए निर्णय की घोषणा करते हैं। सदन में प्रस्ताव पारित होने पर मंत्रिपरिषद इस्तीफा देने के लिए बाध्य होती है। और आखिर में समझते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव और विश्वास प्रस्ताव में अंतर क्या है। अविश्वास प्रस्ताव और विश्वास प्रस्ताव के दोनों ही प्रस्ताव संसदीय प्रक्रिया के अंग हैं, जिसके तहत सदन में सरकार के बहुमत को जांचा जाता है। सदन में अविश्वास प्रस्ताव हमेशा विपक्षी दलों द्वारा लाया जाता है, जबकि विश्वास प्रस्ताव अपना बहुमत दिखाने के लिए हमेशा सत्ताधारी दल लेकर आता है। किन्हीं विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति भी सरकार से सदन में विश्वास मत अर्जित करने के लिए कह सकते हैं। एक बार अविश्वास प्रस्ताव लाने के 6 महीने बाद ही दोबारा अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष द्वारा लाया जा सकता है। यदि सरकार सदन में विश्वास प्रस्ताव के दौरान सामान्य बहुमत साबित नहीं कर पाती है, तो ऐसे में सरकार को इस्तीफा देना होता है। चलिए वक्त हो चला आज के टॉपिक से रिलेटेड अभ्यास प्रश्न को नोट करने का। तो अभ्यास प्रश्न है, अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, भारतीय संविधान में विश्वास या अविश्वास प्रस्ताव के बारे में उल्लेख नहीं है। कथन दो है, इसे केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, या फिर ऑप्शन डी न तो एक न ही दो। तो व्यूअर्स, इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्द ही मिलते हैं नए एपिसोड में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।